बहुत ज्यादा ओवर स्टफ नहीं करना होता, लेकिन हाँ उतनी स्टफिंग जरूर भरेंगे जिससे समोसे का। तो ये देखो भाई, आज तो बन रहे हैं गर्मा गर्म समोसे। लाइक शेयर करना है, बहुत मेहनत से समोसे बनने वाले हैं आज। हाँ जी। और ये जो रेसिपी है आपने कब बनाई थी? मैं तो 8th क्लास में जो सी ना होम साइंस ली हुई सी, उदो बनाई सी पहली बार। अच्छा, तो आपने जब 8th क्लास में होम साइंस की क्लास में आपने समोसे बनाए थे, और मुझे आपने बताया था कि आपने टोकरा भर के समोसे बनाए थे। टोकरा भर के तो नहीं, लेकिन आज हम आपको सिखाएंगे समोसे की रेसिपी, जिसके लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं 2 कप मैदा, यानी कि ऑल पर्पस। यहाँ पे प्रोपोर्शन का ध्यान देना बड़ा जरूरी है ना। हाँ तो यहाँ पे ले लिया है। हाँ जी। ठीक है, थोड़ी सी अजवाइन डाल रहे हैं, इससे डाइजेशन अच्छी रहती है। थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा स्वाद के लिए नमक डालेंगे, ये देखिए। और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे इसमें डाला जाएगा मोइन। मोइन से ये समोसे खस्ता बनते हैं। तो हमने 2 कप यहाँ पे मैदा लिया है, तो उसमें हम 4 से 5 चम्मच के करीब, यहाँ चार पे से पांच नहीं 3 से 4। ओके, 3 से 4 चम्मच हम यहाँ पे डाल रहे हैं मोइन के। तो मोइन के रूप में हम देसी घी भी डाल सकते हैं। कोई भी चल सकता है, कोई भी चल सकता है, कोई भी चल सकता है। तो हमने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है। हाँ जी। आप चाहे तो इसमें देसी घी भी डाल सकते हैं। मोइन से हमारे ये समोसे एकदम खस्ता बनते हैं। लेकिन मम्मी, मोइन का ये भी ध्यान देना होता है, आप मुझे बता रहे थे कि ज्यादा भी नहीं होना चाहिए ज्यादा ना फट और कम जांदे। भी नहीं होना चाहिए। फट जाते ज्यादा ना, ज्यादा मोइन डालेंगे समोसे फट जाएंगे, और अगर कम डालेंगे तो आपके समोसे क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो मोइन की जो क्वांटिटी है उसको बड़े ध्यान से डालना होता है। तो ये देखिए, मोइन हमने इसमें और डाल दिया है। अब अच्छे से इसको हमने मिक्स कर लिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा गुनगुना सा पानी डाल के हम इसकी एक टाइट डो तैयार करेंगे। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी इसमें डालते जाएंगे और इसका डो तैयार करेंगे। तो यहाँ पे इस बात का आपको ध्यान देना है कि पानी जो आपको डालना है वो बिल्कुल मेजर करके डालना है। ज़्यादा पानी डालने से हमारे समोसे अच्छे नहीं बनेंगे। सख्त आटा गूंदना है ताकि हमारी जो समोसे की जो आउटर लेयर है वो बिल्कुल क्रिस्पी बन के तैयार हो। तो चलिए, अब हम आपको दिखाते हैं आटा गूंथने के बाद। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पे डो तैयार हो चुका है। अच्छे से हमने इसको यहाँ पे टाइट डो इसका तैयार करके रख लिया है। और इतना डो लगाने में जितना पानी हमने लिया था उसमें से इतना सारा पानी हमारा यहाँ पे बच ही गया है, आप देख सकते हैं। तो बहुत ही कम पानी का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। अब हम इसको रखते हैं साइड पे रेस्टिंग करने के लिए। तब तक हम शुरू करते हैं इसकी स्टफिंग की तैयारी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने अब स्टफिंग की तैयारी शुरू कर दी है। आप देख रहे हैं, आलू हमने यहाँ पे बॉईल करके रखे हुए हैं, और अब यहाँ पे कढ़ाई में तेल भी हमारा गर्म हो चुका है। तो सबसे पहले इसमें हम डालेंगे साबुत धनिया, यानी कि कोरिएंडर। हाँ जी। ये देखिए डाल देंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मेरे कॉलेज की कैंटीन में जब मैं समोसा खाता था उसमें धनिया का क्रंच बड़ा ही अच्छा लगता है। तो ये धनिया हमने डाल दिया है। इसी के साथ इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी ये हरी मिर्च, कटी हुई हरी मिर्ची। अब इसमें डालेंगे, अब इसमें डालेंगे हमारे ये आलू मैश करे हुए, जिसको ठंडे आलू हमने उबाइल करके ठंडे कर लिए थे। हाँ जी। और अब इसको इस तरह से हाथ से, हाथ से मैश करके डाल, हाथ से ही मैश करके डालेंगे। कोई कद्दूकस करने की जरूरत नहीं है, हाथ से ही मैश करेंगे, हमारे ये आलू बहुत बढ़िया बन के तैयार हो जाएंगे। चलिए, यहाँ पे अब आलू को हमने इस तरह से हाथ से ही तोड़ के डाल दिया है, और अब इसको हम अच्छे से अब मैश करेंगे। बहुत ज्यादा नहीं मैश करना ना मम्मी। तो अब क्या करेंगे मम्मी? अब इसमें थोड़े से डालेंगे मटर। तो अब यहाँ पे इसमें डालेंगे थोड़े से मटर। तो हम इसमें डाल रहे हैं बॉईल किए हुए मटर। हमने इसको पार बॉईल कर लिया था है ना मम्मी, हल्का सा बॉईल कर लिया था। तो चलिए, अब इसमें डाल रहे हैं ये कसूरी मेथी। कसूरी मेथी का फ्लेवर भी बड़ा अच्छा आता है। तो ये देखिए, कसूरी मेथी डाल दिए। इसमें डालेंगे थोड़ी सी चाट मसाला, इसमें डालेंगे चाट मसाला, कोरिएंडर पाउडर डालेंगे इसमें, कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर, अदरक थोड़ा सा डालेंगे इसमें, ग्रेटेड अदरक। अदरक का भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अदरक को पहले नहीं डालना दोस्तों, अगर पहले डाल देते हैं वो चिपक जाता है और फिर उसका स्वाद भी नहीं आता। तो अभी तक तो मम्मी इसमें 3 मसाले गए हैं, अभी और भी मसाले जाएंगे ना। हाँ जी। तो अब इसमें डालेंगे हम ये कुटी लाल मिर्च। ये देखिए, कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे थोड़ा सा स्वाद के लिए। डाल रहे हैं ये क्यूमिन पाउडर यानी कि जीरा पाउडर, थोड़ा सा डाल देंगे। तो ये क्या डाल रहे हैं मम्मी? थोड़ा सा गरम मसाला, गरम मसाला डाल रहे हैं इसमें थोड़ा सा। हाँ जी। ये देखिए, गरम मसाला डाल दिया। और यहाँ पे मैं कश्मीरी लाल मिर्च भी देख रहा हूँ, ये भी हाँ, डालेंगे मम्मी? हाँ जी, थोड़ी सी डालेंगे, थोड़ी सी डालेंगे, कलर आ जाता है आलू में।
क्योंकि हम इसमें हल्दी का उपयोग नहीं कर रहे हैं। आप कुछ लोग हल्दी भी डालते हैं? हल्दी नहीं डालते हम, अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन मेरी मम्मी नहीं डालते, ज़्यादातर जगह पे हल्दी नहीं डाली जाती, तो उसकी जगह हमने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च डाली ताकि स्टफिंग में थोड़ा सा कलर आ जाए। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। अब इसमें एंड में हम डाल रहे हैं थोड़ा सा नमक। ये देखिए, नमक तो ज़रूरी है, डालना ही है। तो चलिए नमक डाल के इसको हम अच्छे से इस तरह से मिक्स कर रहे हैं। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ पनीर। ये देखिए छोटे छोटे क्यूब्स में डालिए, ऑप्शनल है, डालेंगे तो टेस्ट बढ़ जाता है, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। हम करेंगे अच्छे से मिक्स। तो ये देखिए, तो ये देखिए दोस्तों, बहुत बढ़िया स्टफिंग हमारे यहाँ पे तैयार हो ही रही है। डाल देंगे इसमें ये कटा हुआ धनिया। ये देखिए, अब ऐसी स्टफिंग देख के भला किसके मुंह में पानी नहीं आएगा। ये देखिए, देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्टफिंग को हमने ठंडा होने के लिए रख दिया है। जब ये ठंडी हो जाएगी फिर हम इसका आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। दोस्तों आटा हमारा अच्छे से अब यहाँ पे सेट हो चुका है, अब शुरू करते हैं इसके आगे का प्रोसेस। तो यहाँ पे लोई बना रहे हैं इस तरह से। ये देखिए, तो चलिए अब देखिए इसको यहाँ पे बेल रहे हैं मम्मी। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे ये जो हमने पट्टी तैयार करनी है समोसे की, वो यहाँ पे बिलकर तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमें इसको काटते हैं, इसको हम बीच में से काट लेंगे इस तरह से। ये देखिए, और इसको इस तरह से अलग कर लेंगे। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हमें इसके जहाँ से पानी लगाएंगे थोड़ा सा। ओके, तो यहाँ पे साइड्स पे पानी लगा रहे हैं। हाँ, और इसका इजी तरीका आपको बता रहे हैं। ये देखिए आसानी से कैसे बनाना है, ये देखो इस तरह से जोड़ लेंगे। ये देखिए, और अब क्या करेंगे मम्मी, अब इसमें फिलिंग भरेंगे। अब इसमें हम ये स्टफिंग है जो इसमें भरेंगे। बहुत ज़्यादा ओवर स्टफ नहीं करना होता, लेकिन हाँ उतनी स्टफिंग जरूर भरेंगे जिससे समोसे का असली मज़ा आ जाए। ये देखिए, हल्का सा इसको प्रेस करेंगे, फिर आपको इजी तरीका बता रहे हैं मम्मी। ये देखिए, इसको यहाँ से हल्का सा मोड़ा और फिर जहाँ से पानी लगाया तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी लगाया। ये देखिए साइड्स पे, ताकि ये अच्छे से चिपक जाए, और इसको इस तरह से सील कर देंगे। ये देखिए, ये देखिए, तो इसी तरह से हम आपको बाकी के समोसे भी बना के दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सारे छोटे छोटे साइज के हमने समोसे तैयार कर लिए हैं, और अब हम इसका फ्राइंग का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो यहाँ पे फ्राइंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहता है मम्मी? तेल, तेल थोड़ा गर्म नहीं रखना ज़्यादा, पहले ना ज़्यादा जिस वेले पाने हैं। तो तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान डाल देंगे इस तरह से। ये देखिए, तो यहाँ पे तेल हमारा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, और इसको हम इसमें डाल देंगे और आराम से इसको फ्राई करेंगे। तो मम्मी कितना टाइम लग जाता है? 5-6 मिनट भी लग जाते हैं। 5-6 मिनट भी लग सकते हैं। हाँ जी, आपको देखते रहना है कि आपकी समोसे की कलर कैसा उसके आउटर लेयर पे आ गया। अच्छे से हिलाना नहीं जब तक ये थोड़ा पक नहीं लेते, ऊपर आ नहीं जाते। अच्छा, हाँ। हिलाना नहीं जब तक ये पक नहीं जाते, थोड़ा सा ऊपर खुद से नहीं आते, तब तक इसको ऐसे ही रखना है। ये देखो भाई, आज तो बन रहे हैं गर्मा गर्म समोसे, जो कि इतने स्वादिष्ट बनते हैं कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे भाई। तैयार हो चुके हैं हमारे शानदार खस्ता करारे समोसे, और इसको यहाँ पे प्लेट पे इस तरह से डाल रहे हैं मम्मी जी। अगर आपके मुंह में भी पानी आ रहा है दोस्तों, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत मेहनत से आपके साथ ये जो रेसिपी हमने शेयर की है, तो आप इस तरह की रेसिपी को घर में आप ट्राई कीजिए, बनाइए। अपना जितना ज़्यादा राड़ने हैं अपने पकाने हैं, उतना ज़्यादा आप कर सकते हैं। मैंने थोड़ा ज़्यादा ही करे है, क्योंकि हमारे बच्चे तो जितना ज़्यादा आप पकाना चाहते हैं क्रिस्पी खाते हैं, जितना ज़्यादा क्रिस्पी आप करना चाहते हैं उतना कर सकते हैं। चाहे उसको थोड़ा सा कम पका सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा पका सकते हैं, लेकिन क्या करना है? लाइक शेयर करना है। बहुत मेहनत से आपके साथ बिल्कुल ऑथेंटिक हलवाई स्टाइल की ये रेसिपी आज शेयर की है मम्मी ने। तो मम्मी लाइक शेयर जरूर करो। तब तक